सब्सक्राइब कीजिए पंडित जी कुछ नया चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, इस बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी उत्पन्ना एकादशी है। क्यों इसको उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है, क्या है इस एकादशी के पीछे का मूल महत्व, क्या है इसके पीछे की कथा, क्या है इसके पुण्य, ये सारी बातें देखेंगे हम आज के एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। जो व्यूअर्स हमारे इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, उस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि जब भी ऐसे नए वीडियो अपलोड हो सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंचे आपके पास। आपने अभी तक हमारे एकादशी से संबंधित अन्य वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहां पर आई बटन में आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी। अब भारतीय हिंदू धर्म परंपरा में इस एकादशी का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि चातुर्मास की एकादशियां जो थी उसके बीच में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो सकते थे। चूंकि अब उत्पन्ना एकादशी से सारे मांगलिक काम शुरू हो गए हैं, भगवान विष्णु ने समग्र संसार की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली है, तो यहाँ पर इस एकादशी का दो तरह से महत्व बनता है। एक तो सारे शुरू काम हो गए मांगलिक कार्य अभी, और दूसरा इसका जो आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व है वो खास करके माना गया है। यह मात्र एक ऐसी एकादशी है कि जिसमें साधक के अपने पूर्व जन्म के पापों को भी नष्ट किया जा सकता है। यदि इस एकादशी का व्रत पूरे चाव से विधि पूर्वक किया जाए तो इनसे मिलने वाले जो पुण्य है, इससे मिलने वाला जो फल है, वो सबसे पहला है विशेष करके अपने पूर्व कर्म अर्थात पूर्व जन्म के जो हमारे पाप है वो नष्ट हो जाते हैं, आरोग्य प्राप्त होता है, धन संपत्ति प्राप्त होती है, संतान सुख प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है और भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहती है। आइए देखते हैं इस एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है। उत्पन्ना एकादशी 11 दिसंबर को सुबह 5:15 से शुरू हो जाएगी और 12 तारीख तक चलेगी, अर्थात 11 दिसंबर को पूर्ण रूप से एकादशी है और पारण का समय 12 दिसंबर सुबह 6:17 से 8:02 तक का रहेगा। यह एकादशी दो तरह से साधक रह सकते हैं, एक तो निर्जला के रूप में और दूसरा फलाहारी। निर्जला अर्थात पूरी एकादशी व्रत के दौरान पानी तक नहीं पीना है, और फलाहारी में आप जल और पेय और फलाहार ले सकते हैं। तो ये दो तरह से रहा जा सकता है। मेरी व्यक्तिगत बात ये माननी होती है कि जो व्यक्ति संपूर्ण स्वस्थ है वो निर्जला रहे तो ठीक है, और जो वृद्ध है, अशक्त है, या जिसकी तबीयत नासाज रहती है, जिनकी दवाइयाँ चालू है, तो वो फलाहारी एकादशी रहे, वो उसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आरोग्य में आयुर्वेद कहता है कि महीने में 2 उपवास करना चाहिए, भूखा रहना चाहिए। तो इस हेतु से भी महीने में आने वाली शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियां जो है वो धार्मिक रूप से और शारीरिक रूप से हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, तो रहना चाहिए। इसको सिर्फ धर्म के साथ जोड़ना ही पर्याप्त नहीं है, उसको स्वास्थ्य के साथ, व्यक्ति के साथ, मन के साथ, दिमाग के साथ, सभी के साथ जोड़ा जाता है। आइए देखते हैं इस उत्पन्ना एकादशी की कथा क्या है। वैसे तो शास्त्रों में अलग अलग जगह पर 2-3 कथाएं मिलती हैं,
कि एक तो एकादशी जो है वो एक माँ एकादशी देवी है, उसका निर्माण ही भगवान विष्णु ने किया, अपनी शक्तियाँ दी और एकादशी के दिन ही उत्पन्न हुई एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। ये कथा ये भी प्रचलित है। और एक कथा भगवान विष्णु ने उत्पन्न होकर मूर नाम के राक्षस का वध किया था, इसीलिए भगवान विष्णु के उत्पन्न होने के कारण भी एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। लेकिन इस कथा को जहाँ तक मैंने सही ढंग से समझा है, दोनों कथा अलग अलग नहीं है, एक ही कथा है। देखते हैं, सतयुग में एक मूर नाम का राक्षस था जिसने इंद्र आदि देवों को काफी परेशान कर रखा था, बारी बारी स्वर्ग पर हमला कर देते थे। तो इंद्र आदि देवों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इस असुर का आप वध कीजिए। भगवान विष्णु ने शरीर धारण करके इस असुर के साथ कई सालों तक युद्ध किया। युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए और विश्राम करने के लिए बद्री का आश्रम चले जाते हैं। वहाँ कहीं गुफा में जाकर वो विश्राम करते हैं, निंद्राधीन हो जाते हैं। उसके पीछे पीछे ये मूर नाम का राक्षस जो है वो चला आता है और भगवान विष्णु से उत्पन्न एक कन्या जिसमें भगवान विष्णु की सारी शक्तियाँ थी, अर्थात भगवान विष्णु का ही स्वरूप था, उसने मूर नाम के राक्षस के साथ युद्ध किया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया और इस प्रकार से मूर नाम का जो राक्षस है वो नाश हुआ। तो यह जो कन्या है वो भगवान विष्णु के अंदर से ही उत्पन्न हुई है। तो ये पूरा वाक्य बीत चुका और भगवान विष्णु की आंख जब नींद से खुली तो उसने देखा तो वो अचंभित हो गए और इस कन्या से पूछा, बताओ क्या वर मांगती हो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तब यह कन्या मांगती है वरदान के रूप में कि जो भी मेरा व्रत करेगा उसका कल्याण होगा और उसको आपकी भक्ति की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु ने इस कन्या को यह वरदान दे दिया। अब ये सारी घटना चल रही थी, तब एकादशी की तिथि चल रही थी, इसीलिए एकादशी की तिथि को भगवान विष्णु की तिथि भी कहा जाता है। एकादशी देवी जो है वो भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुई है, इसीलिए उत्पन्न एकादशी कहा गया। और इस एकादशी में भगवान विष्णु ने भी उत्पन्न होकर उस मूर नाम के राक्षस का वध किया था, इसीलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। तो इतना बड़ा पौराणिक महत्व इस कथा का रहता है। तो जो भक्त अपने आप को सुखी, समृद्ध, संपन्न और आध्यात्मिक शांति से युक्त करना चाहते हैं, उन सभी को इस एकादशी का व्रत पालन अवश्य करना चाहिए। आइए देखते हैं कि इस एकादशी का व्रत पालन कैसे करेंगे। एकादशी के दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी होती है, षोडशोपचार पूजा करनी होती है, भगवान विष्णु सहस्त्र के नाम का स्मरण करना होता है और पूरे दिन उपवास रहना होता है। ऐसा सभी एकादशी में हम अनुक्रम से करते हैं, लेकिन इस एकादशी में जो शाम की पूजा है वो थोड़ी विशेष है, क्योंकि यहाँ पर शाम के समय जब आप भगवान विष्णु को पूजा करते हैं तो साथ में माँ लक्ष्मी की भी प्रतिमा रखनी है और उसकी भी पूजा करनी है। और सायं काल को जब भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की पूजा हो जाए तो द्वार पर घी के दिए लगाने हैं, घी के दीपक जलाने हैं और इस प्रकार से सायं काल में माँ लक्ष्मी की कृपा भी भक्तों पर सदा बनी रहती है। इस एकादशी का व्रत पालन करने से और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साधक अनगिनत संपत्ति का मालिक हो सकता है, अपने ऊपर हुए कर्ज को भी वो निकाल सकता है। इस प्रकार का उल्लेख शास्त्रों में इस एकादशी के फल के बारे में दिया गया है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
तो बस आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। एक बात और बताना भूल गया, आगे हम ज्योतिष की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो सामान्य व्यक्ति है वो अपने आप ही किस तरह से अपना भाग्य, अपनी कुंडली देख सकता है, ये सारी बातें होंगी आगे के हमारे सीरीज में। ज्योतिष से संबंधित है, बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी बातें होंगी वीडियो में। आप कितना इसके लिए एक्साइटेड हैं ये भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और आप अपनी कुंडली भी कुछ बताना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ फलादीश भी देखना चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली भेज सकते हैं। तो बस मित्रों, आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।